उस वक्त टोकन बटते थे मुलाकात के लिए, इतनी शक्ति नहीं थी। बस बाहर मस्जिद के सैन में बस लाइन लगती थी और मुलाकात होती थी। तो एक मरतबा शाम के वक्त कुछ मुलाकात का सिलसिला था और मैं वापिस जा रहा था शिकागो, तो मैं बच्चों को भी लेके गया अपने, और नगर जाने से पहले मुलाकात करूँ, दस बोसी करूँ, दुआ लू से और फिर मैं चला जाऊ। तो जब मुलाकात की बारी आई तो जब मैं गया तो एक आपका एक खास मखसूस अंदाज होता है मुस्कुराहट का, जिस तरह आपने मुस्कुरा के देखा बड़ी चाहत और मोहब्बत से, तो बस मैं बैठ के बातें करना शुरू कर दी। तब तो इतना मुझे पता भी नहीं था कि आप ज्यादा बात नहीं करते। मैं जब उठ के जब जाने लगा तो आप याद है हमेशा कुछ ना कुछ तोहफा देते हैं, तो आपने वो किताबों का रसाइल का तोहफा भी मुझे दे दिया। तो जैसे मैं उठ के जब जाने लगा तो मेरी नजर पड़ी टेबल पे आगे एक ग्रीन कलर की लकड़ी की नारायण पाक थी, बड़ी खूबसूरत किस्सा रखी हुई थी माशाल्लाह। तो जब मैं उड़ के जाने लगा तो मेरी नजर पड़ी, जैसे मेरी नजर पड़ी मेरे दिल में ख्याल आया, मैं चलता जा रहा था दिल में ख्याल आया कि ये मांग लूं मैं इनसे या किस तरह ये मुझे मिल जाए, लेकिन मैं चले ठीक है कोई बात नहीं। जैसे आगे बढ़ा 5-7-8-10 कदम तो एक इस्लामी भाई ने आवाज दी ऐसे इशारे से कि ऐसे साहब आपको बुला रहे हैं। मैं फिर पलट के गया, जैसे मैं करीब पहुंचा तो आपने इशारे से कहा मैं आपने कहा ये नालन की तरह इशारे करके कहा उठा ले। मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि मुझे चाहिए था, आपने कहा उसने नालन लेके चला गया। ये भी मैं कभी नहीं भूल सकता हूं कि ये मतलब अल्लाह ताला ने ऐसा आपको दिल दिया कि मुरीद की जो है मुराद आपको पता चल जाती है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपका साया हम पर तादर सलामत रखे। इत्तिफाक होता है ये गौर से देखते हो देख रहे होंगे, अब मुझे तो खैर ये किस्सा याद ही नहीं है, गौर से देख रहे होंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि बेचारे बचाइए। तो मैं सोचता हूँ दू के ना दू, दू के ना दू, ये चले गए मेरे साइड में आए बेचारे को दे दो यार, यूं करके बुलवाया होगा पेश कर दिया होगा, ये हुआ होगा तो ये अब वो तुक्का लग गया क्या, दो तो करा मन ना दो तो मसले दोनों हाथ में लड्डू। ये मैं कई दिनों से नोट कर रहा हूं आपके बारे में, कोई भी बंदा कोई फजीलत वाली कॉल करता है आप उसको फौरन टर्न कर देते हैं कि नहीं मुझे तो ये नहीं है तो वो नहीं है ये, मतलब आप वो बात को ओके खैर आप नहीं करते आजी की वजह से, लेकिन वो अगला कह रहा है कि मुझे तो वापस बुला के दिया गया। तो मैंने इसका बता दिया ना आपको, एक अपने जहन में जो आया हुआ